रेसिपी विद सोनाली में सबका स्वागत है। और आज मैं एक नया वीलॉग लेके आई हूँ आपके लिए। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर हेडिंग टू शिवा समुद्र वाटरफॉल। आई होप यू नो द वाटरफॉल इज एक्टिवेटेड नाउ बिकॉज वी हैड रिसेंटली गुड रेन्स इन बैंगलोर। And we have left Bangalore today. We have a traffic here, so hopefully you know we should reach by the next 3 hours, like around 12:30. So the route we will be following is like from Bangalore we will from Whitefield we go to Bangalore city, then we'll reach the we will be actually going. There are two routes. One is through Bangalore Majestic, then Mysore Road, and then another road is from Kanakpura. So we will be going from Kanakpura road. So let's go. Ayush. Today we are going to Shivna Samudra. It is the second biggest waterfall in India and the 16th in the entire world. Let us start the journey. Get up on the road. हम व्हाइटफील्ड से जा रहे हैं तो 148 किलोमीटर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी मैप में, और बेंगलोर सिटी से 120 किलोमीटर है। आप मैसूर से जा रहे हैं तो आपको 60 किलोमीटर के पास में ही वो ये वाटरफॉल मिलेगा। हम मारथल्ली से रिंग रोड से लेके कनकपुरा रोड से जाएंगे। लेट हो गया तो हमने ब्रेकफास्ट घर पे ही कर लिया है। अब सिर्फ नॉनस्टॉप हम जर्नी करेंगे और 12:30 तक हम वहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। मारथल्ली अभी गया है और अब हम रिंग रूट पे आ गए हैं। रिंग रूट से हम कनकपुरा रोड को टच करेंगे। लेट हो गया लेकिन हमें इतना ट्रैफिक नहीं लगा। कनकपुरा सिटी भी बहुत बड़ी लग रही है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। यहाँ से 24 किलोमीटर दिखा रहा है शिवाना समुद्रा जो वाटरफॉल है, और ये कर्नाटक टूरिज्म का बोर्ड है तो इन्होंने यहाँ पे लगाया है। तो चलो चलते जल्दी से। किलोमीटर रह गया है शिवाना समुद्रा वाटरफॉल। रोड के बारे में बात करें तो सिंगल रोड ज़्यादा लगे हम लोगों को इस रूट से आने तक, और कनकपुरा सिटी में भी थोड़ा रश था, और हमें बेंगलोर से बाहर निकलने को ही 1.5 घंटा लग गया क्योंकि वहाँ पे भी हमें बाद में थोड़ा सा ट्रैफिक लगा। और अभी 24
किलोमीटर रह गए हैं, चलो उधर। हाँ, आपको जाना हो यहाँ पे इस डेस्टिनेशन तो सुबह जल्दी उठ के ही जाना बेटर है, क्योंकि लेट होता है तो आगे जाने के लिए पहुँचने के लिए भी लेट होता है। चलो उधर हम मिलते हैं अभी वाटरफॉल की जगह पे। कनकपुरा के बाद में जो रोड शुरू होता है वो इतना ही अच्छा है। रोड पे बहुत सारे नारियल के पेड़ दिखाई दिए और बहुत सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ पे फॉरेस्ट एंट्री है अंदर जाने के लिए। मैंने 20 रुपीज अभी पे किए और अब हम और सिर्फ अभी 1 किलोमीटर रह गया है और रोड बहुत ही बढ़िया है। मारा चुकी है। यस, और अब हम डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। पार्किंग। भूख लगी है और आयुष को बहुत भूख लगी है। भूख लगी। हम फाइनली पहुंच गए हैं और हम वाटरफॉल की और जा रहे हैं और आयुष को बहुत भूख लगी है। क्या क्या है यहाँ पे? आइसक्रीम। हाँ चलेगा। तो बहुत भीड़ लग रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आके अभी निकल रहे हैं। और ये 12 चुक्की वाटरफॉल है। श,
शिवा समुद्रा। और सामने वाटरफॉल दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मंकी भी है। आयुष और पीछे वाटरफॉल है बाराचुकी। नहीं आपका नहीं। और यहाँ पे नीचे जाने के लिए टिकट है 5 रुपये पर पर्सन, छोटे बच्चों के लिए भी 5 रुपये ही है। यस वी आर गोइंग डाउन नाउ टू सी बेट। बंदे अरे तळाला जाऊ शकतो खाली माहिती आहे और अभी आयुष ने और पापा ने हम लोगों ने आइसक्रीम लिया है। आयुष ने ब्लैक करंट लिया है, अमूल का कोन। मैं ऑलमोस्ट डिहाइड्रेट हो गई। ये नॉर्मल वेनिला है।
यहाँ पे मैंने घर से ही ढोकला बना के लाया था और बहुत भूख लगी है, इसलिए हम लोग अभी इस ढोकले को ही सर्व कर रहे हैं। हम ढोकला खाने के बाद निकलने वाले हैं और निकलते ही पास में ही एक बैक वाटर है, उसे हम देखेंगे। हम पहुंच गए हैं बैक वाटर के प्लेस पर और बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये बैक वाटर। हम भी जाके देखेंगे क्या है वहाँ पे। बरा घसरट नहीं है, पड़शील ना। मागे पाय नको लावते So now we are going to Gagan Chukki waterfalls. Head northwest on दूसरा रोड है। गंगा चुकी वाटरफॉल है तो। Continue for 3 kilometers. Sorry. पानी वो किधर चला ना? हाँ। Making U-turn. गंगा चुकी मंडल है ना मी? गंगा चुकी मंडल। When possible. गंगा चुकी आ चुका है वॉटरफॉल। इधर नहाना पड़ेगा? यस। और यहाँ पे बहुत सारी कार्स पार्किंग को लगाई गई है, हमें लगा कोई भी आया नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी गंगा चुकी वॉटरफॉल की यहाँ पे भी पार्किंग को बहुत सारी जगह है। गंगा चुकी ये मांडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट और लॉज भी है रहने के लिए। होटल लक्षद्वीप नाम का। You've arrived. सामने दिख रहा है वो गंगा चुकी वाटरफॉल है, दिख रहा है सामने। और अब हम नीचे जाएंगे व्यू पॉइंट के लिए। यस, इट्स वेरी बिगेस्ट वाटरफॉल, इट्स सो अमेजिंग। और हम आए कार से ना तो फॉरेस्ट में से आए ऐसे लग रहा था। दोनों तरफ से बहुत सी झाड़ियाँ थी, पेड़ थे। ओ या सुपर भी। कधी कधी ना जेवण महत्त्वाचं नसतं हे गोष्ट। यस हो, हे कावेरी नदीकडे जातं। और हम नीचे आ गए हैं। Thank you.
Yes. हमारे बारा चुकी और गंगा चुकी दोनों वाटर फॉल देखे हो चुके हैं। अब हम वापस घर जा रहे हैं। अभी बहुत भूख लगी है तो जाते वक्त भी दादी रोड पे रेणुका टिफिन नाम का एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे इडली बहुत अच्छी मिलती है ऐसे सुना है, तो हम वहाँ पे जाके इडली खाएंगे। और अब हम पिदादी रोड पे रेणुका टिफिन होटल के पास पहुँच गए। सच में यहाँ की इडली बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी है, मेदू वड़ा भी बहुत अच्छा है, चटनी भी बहुत बढ़िया है। और ये भी आप ज़रूर इस रेणुका टिफिन में इडली सांभर चटनी वगैरह खा सकते हैं। डोसा भी बहुत ही यहाँ पे क्रिस्पी मिलता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे एक व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।